अब गाइस इस वीडियो को बनाने का इससे सही समय और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सक्सेसफुली हम सभी 2020 में आ गए। सक्सेसफुली हम लोगों ने नए ईयर के साथ नए रेजोल्यूशंस प्लान भी कर लिए। हम लोगों ने ट्राई किया कि हम उस रेजोल्यूशंस को फॉलो कर सके, और जरूर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों के रेजोल्यूशंस टूट गए। कुछ लोगों के रिजोल्यूशन टूट गए होंगे, और कुछ बहुत ही ज्यादा यानी एकदम हिम्मत वाले लोग होंगे जिनके रिजोल्यूशन अभी भी वेंटिलेटर पे चालू होंगे। मैंने सोचा कि हमें इस बारे में डिस्कस करना चाहिए, और इस टाइम पे डिस्कस करना चाहिए क्योंकि इस वक्त लोगों के रिजोल्यूशन टूट चुके होंगे या वेंटिलेटर पे होंगे। मैंने भी अपने साथ एक रिजोल्यूशन लिया था, और उस रिजोल्यूशन को मैं सक्सेसफुली फॉलो कर पाया हूँ। और मैंने उनको कैसे किया, क्या क्या उनके मॉरल्स हैं, क्या क्या मुझे समझ आया कि रिजोल्यूशन कैसे लेने चाहिए, कैसे फॉलो करने चाहिए, और कैसे उन रिजोल्यूशन को बचाना चाहिए। इस वीडियो में हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि कैसे टूटे हुए रिजोल्यूशन को, या आपका रिजोल्यूशन वेंटिलेटर पे है तो उस कंडीशन में रिजोल्यूशन को रिस्टार्ट कैसे किया जाए, या फिर रिजोल्यूशन को पावरफुल स्टार्ट कैसे, मतलब पावरफुल फुल सपोर्ट कैसे मिले ताकि वेंटिलेटर से अच्छी कंडीशन में आए, और फिर उसके बाद में आप उसमें सक्सेस ले सको। हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ स्पेक्टिकुलर आइज ऑफ मॉडर्न डे एम्पायर में। यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपना ही एक्सपीरियंस डिस्कस करूँ, और उन एक्सपीरियंसेस का होता है थोड़ा सा यूनिक सा मॉरल, जरूर आपके साथ मॉरल भी डिस्कस होगा। गाइस हम बढ़ते हैं हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर। अब एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने जनवरी के महीने में, यानी एकदम नए साल के स्टार्टिंग में, मैं अपने टाइप से कुछ बुक्स पढ़ना शुरू करूंगा। अब जब बुक पढ़ने की बात आती है तब बोलना बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भैया हम बुक पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग थक हार के हार मान के बैठ जाते हैं, बिकॉज बुक पढ़ना अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा पेशेंस का काम है जो बहुत सारे लोगों से हो नहीं पाता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं बुक पढ़ना स्टार्ट करूंगा, और तकरीबन 2 महीने का समय हो गया है और मैं नियरली अब तक के 7 बुक्स पढ़ चुका हूं। हाँ यस, थोड़ा अजीब लगता है बट फिर भी वो बुक्स छोटी छोटी उठाया था मैंने, इसलिए मैं 7 बुक्स पढ़ पाया हूं। अब गाइस हम बात करेंगे कि कैसे। जनवरी का महीना था, पहले जनवरी से उठाई बुक, एक अच्छी सी छोटी सी बुक उठाई, तकरीबन वो जहां तक मैं ध्यान है कुछ 150 से 120 पेजेस की गई होगी। मैंने वो वाली बुक उठाई, और फिर उसके बाद में मैंने उस बुक को पढ़ना शुरू किया। अब जब बुक को मैंने पहले पढ़ना शुरू किया तब मुझे बहुत सारे लोगों के एडवाइजेस आते थे कि आप 1 पेज पढ़ो बुक का, आप 2 पेज पढ़ो, 5 पेज पढ़ो। मैं पूछता हूँ भाई क्यों, क्योंकि वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाता था भाई, 1 पेज पढ़ना, उसमें से भी 15-20 भागी भागी वर्ड्स निकल जाते थे। डिक्शनरी लेके बैठो कि बुक लेके बैठो, दोनों लेके बैठो तो मेरा क्या होगा और समय कितना जाएगा। मैंने अपना एक छोटा सा सोल्यूशन निकाला जो मुझे ठीक लगा, कि मैं एक दिन में एक बुक का एक लेटर ही पढ़ूंगा। मैं वर्ड भी नहीं कह रहा, मैं लेटर कह रहा हूं। मैं आपको एक वर्ड भी नहीं कह रहा हूं, मैं आपको उस वर्ड का एक लेटर बोल रहा हूं। मतलब मैंने ऐसा किया कि मैं एक दिन में एक लेटर पढ़ूंगा, और जब मैं उस लेटर को पढ़ूंगा तो मैं पूरा 1 मिनट उस लेटर को ध्यान से देखूंगा, इतना मेरा काम है। और एक दिन में मैं बस फिर वो बुक बंद हो जाएगी। दूसरी जो चीज मैंने किया कि उस बुक पे एक मस्त अच्छा सा कलरफुल कवर लगा दिया, बिकॉज उस बुक में, मतलब आखिरकार वो बुक मेरे साथ समय बिताने वाली है, तो मेरी जिम्मेदारी कि बुक को थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। इसी के साथ में मैंने उसके साथ एक अट्रैक्टिव बुक मार्क भी लगा दिया ताकि वो थोड़ा और कलरफुल लगे, और मुझे भी अगर वो बुक को मैं देखूं तो मुझे भी ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि अपन देखना चाहिए। तो तकरीबन 10 दिन तक ऐसा हुआ कि मैं एक लेटर को देखता रहा, और तकरीबन फिर उसके बाद में मैं पता नहीं कैसे बस मेरी इच्छा हुई कि अब हमें मैं एक लेटर से एक वर्ड पे पढ़ना चाहिए। तो मैंने अगले 10 दिन डिसाइड किया कि मैं एक लेटर से एक वर्ड पे जाऊंगा। तो अब मैं एक दिन का एक वर्ड पढ़ता था, एक वर्ड पढ़ा बुक बंद। ऐसा फिर मैंने अगले 10 दिन तक किया, यानी समझ लो 10 और 10 20 दिन। फिर उसके बाद में मैंने साइकल्स को थोड़ा सा कम किया। फिर उसके बाद में अगले 3 दिन मैं गया एक सेंटेंस के लिए,
अब ड्यूरेशन जैसे जैसे मुझे ठीक लगा वैसे वैसे मैंने ड्यूरेशन कम किया और अगले 3 दिन मैं थोड़ा सा सेंटेंस पे गया। फिर उसके बाद में मैं इंटरेस्ट पढ़ा, फिर उसके बाद में मैं जब जून खत्म होने पे आया था तब मैं तकरीबन केवन सेंटेंसेस से पैरा पे शिफ्ट हो गया। मतलब तब मेरा टारगेट ये था कि मैं दिन का एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, और जब तकरीबन समझ लेते 10 फरवरी तक बात पहुंच गई, तब उसके बाद मैं बुक पढ़ने में स्पीड आ गई। अब उसके बाद में मैंने पैरा पढ़ा, फिर उसके बाद में मैं तकरीबन मिड फरवरी तक के मैं पेज तक भी पहुंच गया। यानी अब मैं सक्सेसफुली वो लोगों का जो डायरेक्ट स्टेप था वो मैं इनडायरेक्टली 15 तकरीबन हाँ मिड फेब से मैं उस पेज पूरा एक पेज पढ़ने की कैपेबिलिटी या यूं कहूँ पेशेंस आ गया मुझ में। थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा अजीब था, लेकिन फिर भी ओवरऑल पेशेंस हो गया। और इस तरह से 2 महीने के स्पैन में मैंने एक बुक पढ़ी। अभी एक बुक पढ़ना अपने अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने 7 बुक्स बोला था और मैं अभी एक बुक कैसे बोल रहा हूं, तो उसका ऐसा रीजन है कि वो 7 बुक्स को मैं पहले वो जो 7 बुक्स की मैंने बात रखी थी आप लोगों के सामने, उसमें से मैंने एक बुक बुक इन 2 महीने के स्पैन में पढ़ी थी, लेकिन जो बाकी की जो बुक्स थी वो मैंने पहले पढ़ी थी। सो ऐसे मैं ओवरऑल अपनी लाइफ में 7 बुक्स पढ़ पाया। और फाइनली ये जो मेरी 7th बुक थी इसी के साथ मैं अपने टाइप से एक जो हैबिट है वो डेवलप कर पाया। 6 बुक्स तो बस ऐसी थी जो जबरदस्ती वगैरह में बायोग्राफी टाइप्स थी वो, सो वैसे से ठोक पीट के या एक्सपीरियंस खराब हो गया वो या वही डिक्शनरी वाला एक्सपीरियंस है बुक पढ़ा। फिर उसके बाद में कुछ चीजें जो मैंने आने वाले समय में अपने इन 2 महीने के स्पैन में फॉलो की वो ये रही कि मेरी बुक मेरे आस पड़ोस में रहेगी और वो रीचेबल रहेगी। यानी अगर मैं दिन भर में एक कॉमन जगह पे बहुत बार रहता हूं तो वो बुक वहां पर रहेगी और वो बुक मुझे दिखनी चाहिए। फिर इसके बाद में क्योंकि मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो मुझे ऑफकोर्स सी बात है कि मुझे कुछ ना कुछ मतलब इस बारे में सोचना भी पड़ेगा। सो मैं बुक से रिलेटेड चीजें भी अपने माइंड में सोचता रहता था। सो इस तरीके से मैंने ने, ने अपने बुक पढ़ने का एक्सपीरियंस खत्म किया। अब वो बुक काफी ज्यादा यूजफुल रही। सो जरूर कभी अगर मौका मिले तो हम एक और वीडियो बनाएंगे उस बुक की समरी का। सो गाइस यहां पे मेरा एक्सपीरियंस हो जाता है खत्म। अब गाइस हम बढ़ेंगे मेरे एक्सपीरियंस के मॉरल के ऊपर। अब इससे पहले हम मॉरल पे जाए आप लोग जरूर मॉडर्न डे एम्पायर को सब्सक्राइब करो, बिकॉज मॉडर्न डे एम्पायर अक्सर ट्राई करता है कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते हैं जिनमें हम आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ये है स्पेक्टिकुलर गाइस। तो जरूर सब्सक्राइब कर देना हमारी वीडियो को, लाइक दे दो इस वीडियो को, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने जिनके भी साथ आप लोग प्यार करते हो, जिनको भी आप लोग रिस्पेक्ट वगैरह करते हो। सो जरूर हो सकता है उनके भी काम आ जाए। सो जरूर, और फिर इसके साथ एक लास्ट चीज जो मैं मेंशन कर दूं कि आप कमेंट भी करो, ताकि क्या कमेंट करते हो तो क्या पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हो। सो फाइनली अब बढ़ते हैं हम आपके फेवरेट मॉरल के ऊपर। अब जो एक्सपीरियंस था वो तो बहुत आड़ा तेड़ा निकला, लेकिन जो चीजें 4 चीजें जो मुझे पिन पॉइंट करने वाली लगी वो था पहला उस बुक का अट्रैक्टिव दिखना। मतलब अभी जरूरी नहीं है कि आप अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोगों को नए नए हैबिट सीखना ही है, और नए नए हैबिट्स और नए नए ट्रिक्स सीखने के लिए ये 4 चीजें बड़ी काम आने वाली है आप लोगों के। सो पहली चीज जो मुझे दिखती है वो है अट्रैक्टिव। अब अट्रैक्टिव यानी उस चीज से रिलेटेड चीजें अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मतलब मस्त अच्छा कलर होना चाहिए, थोड़ा बहुत डेकोरेशन है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर आप उस चीज को 10 बार देखते हो तो आपको को तकरीबन अगर आप उस चीज को पहले 10 बार देखते थे और आप उस चीज को सिर्फ 3 बार उठाते थे तो और अब के कंपैरिजन में क्योंकि अब वो चीज अट्रैक्टिव बन चुकी है। सो हो सकता है कि आप उस चीज को 6 बार उठाना शुरू करो, 7 बार उठाना शुरू करो, उठाना इंसेंस यूज करना। सो ऐसी चीज जो मैं पहला पॉइंट रखूंगा वो था अट्रैक्टिव, जहां पे मैंने बुक मार्क अट्रैक्टिव रखा, बुक का कवर मस्त अच्छा सा लगाया। सो पहली चीज अट्रैक्टिव। फिर उसके बाद में दूसरी चीज जो मैं रखूंगा स्टार्ट विथ लेस, बिकॉज यहां पर जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की कि वो चीज थी कि लोगों का डायरेक्टली बोलना कि एक पेज पढ़ना। अब एक पेज पढ़ना क्या होता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाता है। सो मैंने जो चीज की वो इजी इजी चीजें की,
इजी चीज है, मतलब मैं डायरेक्टली एक लेटर पे गया, यानी ये उस बुक की सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट है और मैं उस यूनिट पे गया। और दूसरी चीज जो मैंने फॉलो की कि मुझे बार बार डिक्शनरी उठा के स्ट्रगल ना करना पड़े, सो इसलिए मैंने एक इजी लैंग्वेज वाली बुक उठाई। सो फिर इसके बाद में ऐसे से इजी लैंग्वेज वाली बुक उठाई, और फिर उसके बाद में मैंने जो तीसरी चीज रखी, ठीक है, मैंने एक चीज और रखी अपने साथ में, वो थी रिवॉर्ड, बिकॉज रिवॉर्ड इज समथिंग जो मिलना ही चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आप अपने हॉबी आप अपने रिजोल्यूशंस पे अड़े हुए हो, इसका मतलब आप मेंटली फिजिकली या स्पिरिचुअली एक लेवल का सेक्रीफाइस कर रहे हो, और जब वो हो जाता है तो अपने आप में रिवॉर्ड भी बनता ही। सो मैं अपने आप को समय पर अपने लिए चॉकलेट्स खरीदता रहता था। अब चॉकलेट्स अपने आप में छोटा रिवॉर्ड है, बट फिर भी ओवरऑल छोटे स्टार्ट के लिए छोटा रिवॉर्ड चलता है। सो इसी के साथ मैंने एक बुक का एक्सपीरियंस और ये अपने आप में ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक दे देना, हमारे चैनल मॉडर्न डे एम्पायर को सब्सक्राइब करने का देना, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो जरूर, तब तक के लिए बाय बाय।